वेलकम बैक टू माई चैनल प्रतिभा कुकिंग एंड लाइफ स्टाइल में स्वागत है आपका। तो फ्रेंड्स, आज आप लोग सोचेंगे मैं ये क्या दिखा रही हूँ, तो मैं आज अपने न्यू ड्रेसिंग टेबल का ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वो जो पुराना वाला ड्रेसिंग टेबल था वो मेरा काफ़ी डैमेज हो गया था और उसका डोर भी ख़राब हो गया था बिल्कुल। वो पूरे टाइम खुला रहता था, पीछे का पूरा सामान दिखता था, तो इसलिए मुझे ये चेंज करना पड़ा। तो मैंने इस तरीके से कुछ इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। तो आप लोगों ने पुराने वाले ड्रेसिंग टेबल का ऑर्गेनाइजेशन बहुत पसंद किया, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको ये अपने न्यू ड्रेसिंग टेबल का ऑर्गेनाइजेशन भी दिखा देती हूँ। ये ड्रेसिंग टेबल लिए तो मुझे हो गए एक हफ्ता पूरा होने वाला है, लेकिन मैं इसका वीडियो नहीं बना पा रही थी। ऑर्गेनाइज़ भी उसी दिन कर लिया था, क्योंकि जब कोई चीज़ नहीं आती है तो बड़ी शौक रहती है कि जल्दी से इसमें सारी चीज़ें अरेंज करें, और आन्या ने भी काफ़ी इसमें हेल्प करी, लेकिन वीडियो नहीं मैं बना पा रही थी, थोड़ा बिजी हो गई थी। तो ये देखिए, मैंने छोटा सा ऊपर एक फ्लावर पॉट रख दिया है जो कि देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसमें लाइट भी लगी हुई है, मेरे पुराने वाले में नहीं लगी थी। और सबसे अच्छी बात, पहले मैं पूरा ड्रेसिंग टेबल आपको दिखा देती हूँ। देखिए इस तरीके से है, मिरर के पीछे भी रैक है और ये नीचे ये स्टूल है और ये एक ड्रॉर है, उसके बाद नीचे ये है एक मतलब बॉक्स, क्या बोलेंगे, रैक बोलेंगे उसको। तो अभी मैं सारी रैक आपको दिखाऊंगी। और ये देखिए इस तरीके से, सबसे मेन जो अच्छी बात है मुझे इसमें ये लगी कि इसमें जो ये कॉर्नर में ये तीन सेल्फ दे रखी हैं, तो इसमें डेली यूज़ का सामान मैंने रख दिया है ताकि मुझे बार बार डोर ना खोलना पड़े। और डोर खोलने से, बार बार खोलेंगे तो फिर जल्दी ख़राब हो जाता है, इसलिए मैंने ये डिज़ाइन पसंद की। तो ये देखिए सबसे ऊपर वाली जो सेल्फ है, अभी मैं इसी की नाप की बास्केट भी लूँगी ताकि मुझे क्लीनिंग में दिक्कत ना हो, बास्केट उठा के और बस जल्दी से क्लीनिंग कर दें। और अभी तो एक एक सामान उठा के करना पड़ता है, लेकिन अभी मैं लूँगी, जब लूँगी तो वो भी मैं आपके साथ वीडियोज़ का शेयर करूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने जो भी एक्स्ट्रा तेल पाउडर ये शैम्पू के डिब्बे ये ऊपर रख दिए हैं। और उसके बाद आते हैं सेकंड वाली सेल्फ पे। तो ये मैं डेली यूज़ में आता है सामान वो मैंने यहाँ पे रखा है, जैसे कि ये मॉइस्चराइज़र है, क्रीम है, आन्या का पाउडर है, और ये एक फाउंडेशन बाहर रखा है और एक अंदर रखा हुआ है, और ये गुलाब जल, मेरा वाइट टोन पाउडर है, सैनिटाइज़र ऑयल, और ये वो मेकअप रिमूवर, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रख दी हैं कि बार बार मुझे ना खोलना पड़े। और ये मेरा फेस पाउडर भी रखा हुआ है। उसके बाद आते हैं थर्ड वाली रैक पे। तो थर्ड वाली पे एक छोटी सी बास्केट है, उस बास्केट में डेली यूज़ का सामान रखा है जो कि डेली में काम आता है, जैसे कि थोड़ी सी लाइट कम दिख रही है तो मैं इससे दिखा देती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने ये रखा है, इसमें जैसे सिंदूर है और क्लिप है, एक बिंदी का पत्ता और लिप बाम, इस तरीके से मैंने इस बास्केट में रख दिया है। और ये मेरी उस थायराइड की दवा है। और ग्लास में, ये ग्लास जो है इसमें इस तरीके से मैंने वो सारे अपने कॉम्ब ऑर्गेनाइज़ कर दिए हैं, क्योंकि जो पिंक कलर की एक ग्लास टाइप का था उसमें रखा था पुराने वाले में, तो इसके लिए मैं ब्राउन कलर का ही ख़रीदूँगी। तो अभी मैंने इस तरीके से ग्लास में रख दिया है, फिर जब मैं ख़रीदूँगी तब उसमें रख दूँगी। और कुछ इसमें पेन भी रख दिए हैं, तो ये बार बार मुझे खोलना नहीं पड़ेगा डोर। और इस तरीके से थोड़ा सामान इसमें है। फिर सबसे नीचे आते हैं, तो ये एक आन्या की बास्केट है, पूरी आन्या की बुआ ने आन्या को दिया था, नवरात्रि पे दिया था, तो इसके अंदर आन्या का बहुत ढेर सारा सामान आ जाता है। और ये देखिए इससे कितना ब्राउन कलर का, ये भी है ब्राउन, ये भी है, तो अच्छा भी लग रहा है देखने में। और ये जगह भी इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट थी, इतना जो खाली स्पेस था वहाँ पर ये आन्या की बास्केट आ गई आराम से। और ये अभी मैं आपको खोल के दिखाती हूँ, इसके अंदर बहुत सामान आ जाता है। ये देखिए इसके अंदर कितना सामान है, आने के सारे क्लिप्स हैं और कंगन हैं और उसके ब्रेसलेट हैं, वॉच है, ये देखिए इस तरीके से उसका काफ़ी सामान इसके अंदर है कि वो बस अपनी बास्केट उठा के और आराम से अपना सामान निकाल सकती है। और एक मिनट, ये इस तरीके से ये बंद भी हो जाती है। इसके ऊपर आन्या ने अपना छोटा भीम जो होता है उसको सजा दिया है। तो ये इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है। और अब आते हैं अंदर वाली सेल्फ पे। तो ये देखिए अंदर इस तरीके से दे रखी हैं, एक दो तीन चार सेल्फ दे रखी हैं। तो सबसे ऊपर वाली में मैंने, क्योंकि मैंने पहले जो मेरे पास था उसमें बड़ी बास्केट थी, उसकी पूरी इस तरीके से लंबाई में काफ़ी लंबी रैक थी, तो उसमें बड़ी बास्केट थी, लेकिन बड़ी इसमें नहीं आ पा रही है, तो मैंने ये छोटी बास्केट रखी, अभी छोटी और लूँगी मैं। तो ये इस तरीके से बास्केट में सामान फैला भी नहीं लगता है और अच्छे से ऑर्गेनाइज रहता है। तो ये इसमें मेरा ये मेकअप फिक्स है, प्राइमर और ये VLCC की क्रीम और एक्स्ट्रा सैनिटाइज़र और ये सब मेरा फाउंडेशन, ये सब रखा हुआ है इसमें। तो ये इस बास्केट में मैंने अरेंज करके और सबसे ऊपर वाली सेल्फ में रख दिया है। उसके बाद ये मेरे पास प्लास्टिक के बॉक्स इस तरीके से हैं, तो इनमें भी मैंने अपना सामान अरेंज कर दिया। जैसे इस वाले में मेरा आई शेडो पैलेट है और ब्लशर का है, और ये है मेरा
कंसीलर, और ये जो दिख रहे हैं वाइट वाइट, ये माले हैं जो कि मैंने पुराने वाले ड्रेसिंग टेबल में आपने देखा होगा मैंने डोर पे वो हैंगिंग वाला लगा के उस पे टांग दिया था, इस पे अभी लगाया नहीं है, अब लगाना है, इस पे भी लगा लूँगी मैं। और ये कंसीलर, ये सब चीज़ें, हाइलाइटर वगैरह सब इसमें रखा हुआ है। तो ये रोज़ रोज़ तो लगता नहीं है यूज़ में, ये जब कहीं पार्टी वार्टी में जाओ तभी यूज़ में आता है, तो इसलिए इस तरीके से बॉक्स में करके और इसको ऊपर वाली रैक पे रख दिया है, जब कहीं जाना हो तो पूरा बॉक्स उठाए और बस सारा सामान एक साथ मिल जाएगा। और फिर उसके बाद ये जो सेकंड बॉक्स है उसमें सारे मेरे, ये जो सेकंड बॉक्स है इसमें मेरी सारी ज्वेलरी है जो कि मैं अब बहुत कम पहनती हूँ, लेकिन कभी कोई मैचिंग का ज़रूरत लगे पहनने के लिए तो इसलिए इस बॉक्स में करके रख दिया है। और ये इसमें मेरा लट्टू वाला टीका है और एक साड़ी पिन है नक की, तो उसको पॉलीथीन में करके रखते हैं ताकि वो काली ना पड़े। तो इसमें इस बॉक्स में सारे मेरे सेट हैं, और इससे होता क्या है कि क्लीनिंग में भी आसानी होती है, बस बॉक्स उठाए और साफ़ कर दी रैक को, तो इस तरीके से बॉक्स में करके रख दिया है मैंने। और उसके बाद आते हैं ये सेकंड वाली, तो ये ऑर्गेनाइज़र तो आपने मेरे पुराने ड्रेसिंग टेबल में देखा होगा, ये बहुत लोगों ने पसंद किया, इसको बहुत लोगों ने पूछा भी कि आपने कहाँ से लिया है, तो ये मैंने एक लोकल प्लास्टिक की शॉप से लिया था। तो अभी ये तो मैंने ऑर्गेनाइज़ नहीं किया, इसमें जो भी सामान जैसे जो भी मतलब मिला भी सब ऐसे ही रख दिए हैं, अब इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना है। इसमें मैं अपना ही सारा सामान रखूँगी क्योंकि अन्य का तो सारा उसी बास्केट में ही आ गया जो उसकी बुआ ने दिया है, और इसमें मैं अपना रखूँगी। और ये उसके ऊपर ये एक छोटा सा ये है बास्केट ही बोलिए, ये भी प्लास्टिक की दुकान से लिया था, ये भी ओनली 10 रुपीज़ का है। इसमें देखिए अन्य के सारे बैंड इसमें रख देती हूँ मैं, ब्लैक स्कूल में चलता है उसके, रोज़ लगाना होता है चोटी में, और बाकी कलर्ड भी हैं कभी ज़रूरत लगती है लगाने की। और ये था, इसमें मैं कॉम रखती थी, तो इसमें मैंने अपने सारे जो लिप लाइनर और आई लाइनर ये सब रख दिए हैं, स्केच आई लाइनर ये सब इसमें रख दिया है, क्योंकि मैं सोची हूँ इसमें मैं जो कॉम रखने के लिए येलो है ग्लास है ये हटा के मैं ब्राउन कलर का ख़रीदूँगी। और अभी ये मंगलसूत्र ऐसे ही पड़ा हुआ क्योंकि इधर मैं लगाऊंगी हैंगिंग वाला, तो उसमें टांगने के लिए मंगलसूत्र माले जो भी एक्स्ट्रा होते हैं वो, और ये सिंदूर सूखा वाला सैनिटाइज़र। अभी देखिए यहाँ पे भी एक बास्केट आ सकती है आराम से छोटी सी, तो अभी लेना है बास्केट, फिर मैं रखूँगी उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके। और ये देखिए इस वाले में एक चीज़ ये भी थी, ये बैंगल्स की रॉड लगी हुई थी, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि सारे कंगन मेरे अंदर रखे रहते थे तो मैं पहन नहीं पाती थी, भूल जाती थी कि मैं ये कंगन कहाँ रखे हैं, और जब भी कहीं जाना आगे जो भी मिला वो पहन लिया। अब क्या है कि इसमें रहेगा तो थोड़ा सा दिखेंगे सामने तो याद भी रहेगा, तो ये सारे कंगन मैंने इसमें सजा दिए हैं। और कुछ डब्बों में भी रखे हुए हैं, ये जैसे इसमें इस डब्बे में है मेरे 1 ग्राम गोल्ड वाले भी आगे रख लिए, वो भी मैं भूल जाती थी अंदर रखे रहते थे, लाख के रखे, इसमें भी लाख का है और इसमें भी लाख के ही कंगन है जो डब्बों में आते हैं। और ये कंगन एक एक मैंने पहन रखा है तो एक एक एक्स्ट्रा था यहाँ पे रख दिया है। और इसमें ये सेफ्टी पिन का आन्या का इरेजर का डिब्बा था ये, तो इसको मैंने सेफ्टी पिन के लिए बना लिया क्योंकि सेफ्टी पिन इधर उधर खो जाती हैं मिलती नहीं है, तो इस छोटू से बॉक्स में रख दिया है ताकि एक साथ सारी सेफ्टी पिन मिल जाएँ। और ये पीछे एक ज्वेलरी बॉक्स है, ये जब मैं टीचिंग करती थी मेरी स्टूडेंट ने दिया था उस, तो मैं इसको बड़ा संभाल के रखती, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसके अंदर भी थोड़ा सी ज्वेलरी और अभी तो अन्य की वो रखी हुई है जो बर्थडे वाली पट्टियाँ होती हैं, वरना इसमें मैं अपने कान के रख देती हूँ, एक दो गोल्ड के कभी उतारा इसमें रख दिया। तो इस तरीके से ये वाली रैक ऑर्गेनाइज़ हो गई है, चूड़ियाँ सारे कंगन सब ऑर्गेनाइज़ हो गए हैं ये देखिए, और थोड़े से कंगन जो बॉक्स है उसमें लगा दिए हैं, थोड़े अभी अलमारी में मेरे पड़े हुए हैं। उसके बाद आते हैं ये सबसे नीचे वाली रैक पे, तो ये देखिए छोटी छोटी सी बास्केट, ये जो प्लास्टिक की शॉप होती है लोकल उन पे 15 या 20 रुपीज़ ऐसे मिल जाती हैं, तो ये बास्केट भी बहुत अच्छी रहती हैं, इनको आराम से हटाए और क्लीनिंग हो गई। और ये देखिए बिंदी के लिए तो मैंने कुछ भी खर्च नहीं किया, ये मोबाइल का जो डिब्बा होता है वो था, उसके अंदर मैंने अपनी सारी बिंदियाँ रख दी हैं, तो बिखरी नहीं लगती हैं और सफाई करने में भी आसानी रहती है, आराम से हटा के सफाई हो जाती है। तो ये एक बास्केट में मैंने अपने सारे नेल पेंट और एक में सारी लिपस्टिक रख दी हैं और बस हटा के तुरंत क्लीनिंग हो गई। और ये शायद 15 या 20 ऐसी कुछ मिली थी, मुझे याद नहीं है, तो ये एक दो बास्केट और मैं लूँगी थोड़ा सामान रखने के लिए। तो ये इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर दिया है मैंने, और इसमें बिंदी, और ये जो ये है इसमें मैं जब कहीं जाती हूँ तो इसमें सारा मेकअप का सामान रखती हूँ, तो अभी ये खाली रहता है, जब कहीं जाते तभी यूज़ होता है, तब ये सारे क्लेचर मैं एक पॉलीथीन में करके रख देती हूँ। और इसमें सारे क्लेचर ही भरे हुए हैं, छोटे भी हैं बड़े, देखिए हर साइज़ के, छोटे आने लगाती है और बड़े मेरे हैं,
और ये एक मिरर है, मेरी फ्रेंड ने मुझे दिया था, तो इसमें सारे क्लचर भरे हुए हैं। और जब भी मुझे कहीं जाना होता है, अगर इसमें कुछ रखना होता है शादी में या कहीं पार्टी वार्टी में, तो मैं इसको खाली कर लेती हूँ और इसमें अपना सामान मेकअप का रख के ले जाती हूँ, फिर आके फिर अपने क्लचर इसी में रख देते हैं। तो ये इस तरीके से यहाँ पे ये बीच की जगह में इस तरीके से सेट हो जाता है। तो ये हो गया, इस तरीके से मेरी ये पूरी सारी रैक ऑर्गेनाइज हो चुकी हैं। और अब मैं दिखाती हूँ आपको ये वाली रैक। ये देखिए, इसमें इस तरीके से ऊपर एक छोटी सी रैक भी रखी है। तो उसमें मैंने क्या किया है कि जितने भी मेरे पास सेट हैं वो मैंने रख दिए हैं। थोड़ी सी मतलब लाइट की वो हो रही है ना, तो मैं दूसरे मोबाइल से लाइट दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को साफ दिखे। तो ये जो है, तो ये देखिए, इस ये जो फर्स्ट वाली जो ड्रॉर है, इसको मैंने पूरा सेट का ही बना लिया है। इसमें सारे मैंने सेट अपने रख दिए हैं, कुछ इस तरीके से खुले हैं और कुछ इस तरीके से बॉक्स के अंदर जो नग रखे हैं वो बॉक्स के अंदर रख दिए मैंने। और ये देखिए, ये जो मैं लाई थी वहाँ से हरिद्वार से, वो भी सेट ऐसे इसमें रखे हुए हैं, तो सब एक साथ मिल जाएंगे। और ये कान के जो हैं नग वाले, वो इस तरीके से रखे हैं। और ये आगे भी थोड़ा सामान रख दिया है मैंने, क्लिप, ये साड़ी पिन है, ये भी मैं अभी गई थी मंदिर तो वहाँ से लाई थी, मेरा एक माउंट रखा हुआ है। ऐसे आगे छोटा छोटा सामान रख दिया है, जो भी अभी सही से ऑर्गेनाइज़ भी नहीं कर पाई हूँ, अभी देखती हूँ इन सबको कहाँ रखना है। तो ये रैक तो इस तरीके से मैंने सेट का ही बना लिया। एक पतला सा डिब्बा था मेरे पास, उसी में मैंने अपने सारे सेट रख दिए। और उसके बाद आते हैं ये इस वाली रैक में। तो इसमें सारा अभी एक्स्ट्रा सामान है, इसमें अभी कुछ भी ऑर्गेनाइज ढंग से, मतलब इसमें जो बड़ी बास्केट जो पुराने वाले मेरे ड्रेसिंग टेबल में थी, वो बास्केट उसमें आ नहीं पा रही, तो इनको मैंने अभी ऐसे ही रख दिया, इनमें जो भी एक्स्ट्रा सामान था वो रख दिया है। और ये मेरे पास पुरानी ड्रेसिंग टेबल में आप लोगों ने देखा होगा ऊपर रखा हुआ था ये चूड़ी का बॉक्स, तो इसमें भी थोड़े से कंगन मैंने लगा दिए हैं। और अभी इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दूंगी, अभी तो बस ऐसे ही मैंने रख दिया है। ये मेरा सुई धागे का डिब्बा, ये भी मेरा ड्रेसिंग टेबल में ही रहता है, तो वो सब मैंने इसमें रख दिए हैं। अब देखती हूँ इसमें और क्या क्या रखना है, क्योंकि बास्केट तो ये बड़ी है, उसमें आ नहीं रही ऊपर। उसके बाद ये स्टूल है, तो ये स्टूल इस तरीके से खुल जाता है, फिर उसके अंदर ये चूड़ियाँ, मैंने चूड़ियाँ ही रखी हैं, क्योंकि पुराने वाला जो ड्रेसिंग टेबल था उसके जो उसका जो स्टूल था वो काफ़ी चौड़ा था, तो उसे मैंने एक डिब्बे में ऑर्गेनाइज़ किया था, बैंगल ऑर्गेनाइजेशन। आप लोगों ने देखा होगा मेरा वीडियो, नहीं देखा है तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वो देखिएगा, उसमें मैंने दिखाया था। तो वो पूरा बॉक्स उसके अंदर रखा होता, क्योंकि वो बहुत बड़ा था, लेकिन इसमें तो नहीं आ पाएगा। तो इसमें मैंने इस तरीके से अभी अपने डिब्बे कुछ रख दिए, अभी इधर एक्स्ट्रा है जगह, उसमें भी देखती हूँ कुछ आ जाएगा तो रख दूँगी मैं। तो बस इस तरीके से ये हमारी पूरी ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज हो गई है। और बाकी जो बास्केट वगैरह मैं जो ख़रीदने को बता रही हूँ छोटी, वो जब मैं खरीदूँगी तब आपको दिखाऊँगी। तो इस तरीके से नीचे ये भी तीन समझ लीजिए रैक ही हो गई। और बस अब ये मेरा पूरा ड्रेसिंग टेबल इस तरीके से, और ये मैं तो ये इस तरीके से मैंने अपना ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइज़ किया है। तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा मेरा न्यू ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये देखिए आन्या भी झांक रही है थोड़ा सा किनारे से, और आन्या ने भी इसमें मेरी काफ़ी हेल्प करी सामान वान रखने में। तो बस यही है मेरा छोटा सा वीडियो, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा मेरा ड्रेसिंग टेबल। तो फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, या फिर किसी नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, या अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलती हूँ, बाय बाय।